बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इमरान खान ने दो तीन बातें की हैं, लेकिन उसका पहले उसकी बैकग्राउंड मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो आज सारा कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानियों या आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों ने जाकर ये फैसला किया कि अब हम अपने मुल्क की मुस्तकबिल का जो है ना जिम्मेदारी हम खुद उठाएँगे, हम फैसला करेंगे हमारा मुल्क कैसे चलना है, हम फैसला करेंगे कि हमारे आगे बच्चों ने कितना कर्ज उठाना है। आपने फैसला किया कि हमने ये जो लोग यहाँ से पैसा डाकू लूटते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और हम पीछे बैठे हुए हैं जिनको सारा इनका कर्जा उतारना पड़ता है, क्योंकि कर्जा तो हमारे ऊपर चढ़ता है, हमें टैक्सेस लगते हैं, हमारी बिजली महंगी होती है, हमारा खाना महंगा होता है, हम मुश्किल में रह जाते हैं। तो आपने ये फैसला किया कि हम फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन लोगों ने फैसला किया कि आपसे आपको ये फैसला आपको नहीं करने देना, इसको जमहूरियत कहते हैं जब आप फैसला करेंगे, लेकिन वो आपको जमहूरियत नहीं लेने देना चाहते थे। उन्होंने सारा आपका वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया, चोरों को जाके असेंबलियों में बैठा दिया, और जिनके जिनके सबके पैसे बाहर पड़े हैं, अब उन चोरों को बचाने के लिए अब ये सारा मसला चला हुआ है। अब वो मरियम नवाज बैठी हैं 25 सीटें लेकर, अब आपका वोट उनके पास है। नेशनल असेंबली में जाकर देखें तो यह हुकूमत बैठी हुई है 17 सीटों के ऊपर, आपका वोट इन्होंने चोरी करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो अब आपने ये मसला पैदा कर दिया इन सब के लिए, उसके लिए अब इनको ज़रूरत है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जुल्म तो उसने किया है, ये उसकी जिम्मेदारी थी, आईनी उसके पास एक आईनी होता है, उसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अब उसने अपने आप को बचाना है, फिर आपका वोट जिन्होंने चोरी किया उनको बचाने के लिए आपको काजी फाइज ईसा की भी ज़रूरत है। आपका ये वोट सारा मसला आपके वोट ने डाला है, अब आपने अपना वोट बचाना है कि नहीं बचाना। या अब इमरान खान ने कहा है कि आपने 21 तारीख को निकलना है, क्योंकि 21 तारीख को अगर उन्होंने जलसे की इजाज़त ना दी, जो मेरा हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो इमरान खान ने कहा ये एहतजाज आपका आईनी हक है, आपने निकल कर अपना हक इस्तेमाल करना है, आपने वोट के लिए निकलना है, जो कि आपका वोट इनके पास है जो चोरी हुआ हुआ वोट है, और आपने आपने उसके लिए निकलना है। ठीक है, जब जो अदलिया है उस वो क्यों मुश्किल में है, अदलिया इसलिए मुश्किल में है क्योंकि आपके वोट की वजह से, क्योंकि उन्होंने काजी फाइज ईसा ने आपके चोरी शुदा जो वोट है उसको तहफ़ देना है। आप इमरान खान ये समझाना चाह रहे थे आज, ये देखें ये समझें कि ये 1971 में क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि ये एक जाती अपने आप को बचाने के लिए जनरल जो एक सेकेंड जो जनरल याहिया खान थे, अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत को, वो उनका इरादा था कई साल उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत करनी थी, तो उन्होंने मुल्क अलहदा हो गया उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जिस तरफ जो लोगों का वोट था वो उनको हक नहीं देना चाहते थे। उसी तरह कहते हैं कि जो मार्शल लॉ लगा था जियाउल हक का तो और जो मुशर्रफ का, उनमें ये हालात नहीं थे क्योंकि लोग भी उनके साथ खड़े थे, मुशर्रफ के साथ भी लोग खड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि एहतसाब होना चाहिए, जो जिन्होंने पहले करप्शन किया है, जो पहले हुक्मरान थे, जो नवाज शरीफ था, वो लोग उनसे एहतसाब मांग रहे थे। और जब जियाउल हक आए तो आपको पता है कि वो दीन के ऊपर ज़्यादा जोर था तो लोग उनके साथ भी खड़े थे, कहते हैं। लेकिन इस वक्त आज इस वक्त लोगों ने सारे एक तरफ खड़े हैं, वो ये निज़ाम नहीं चाहते, ये जुल्म का निज़ाम उनको कबूल नहीं है, वो अदलिया के साथ खड़े हैं कि अदलिया हमें हमारे हकूक़ की तहफ़ करेगी, और इस वक्त जो थोड़े से लोग रह गए हैं वो लाइन के दूसरी तरफ खड़े हैं। और अब हमने अदलिया को भी बचाना है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी वारदात होने लगी थी पिछले इतवार को, बहुत बड़ी वारदात जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को तो ये ख़त्म करने लगे थे, ये ना भूलें कि ये दोबारा करेंगे, ये ना भूलें कि इस वक्त इन्होंने दोबारा अटैक करना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए। अब इसलिए कल आपने अदलिया को बचाने के लिए निकलना है, आपने अपनी जमहूरी हकूक जो है, अपना वोट जमहूरियत उसको बचाने के लिए निकलना है, और आप अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। अब ये सारा कुछ होगा तो आपको आज़ादी मिलेगी। इससे कल के दिन हम इस वक्त वापस लाहौर जा रहे हैं, हमें कहा गया कि क्या पता आगे जाएं कंटेनर हो, हम पैदल चल पड़ेंगे, हम फिर भी पहुँचेंगे लाहौर, और इंशाल्लाह हम एहतजाज के लिए सबसे सामने होंगे, हम खवातीन होंगी, हमारे बच्चे होंगे साथ, और आप लोग सब निकलेंगे। आप देख लेना कि ये कल एक क्या कहते हैं उसको टर्निंग पॉइंट, ये एक बहुत बहुत अहम दिन होगा कल इंशाल्लाह। और हमें अब अपना डर खौफ जो लाहौर के बारे में कोई नहीं कह सकता, ये हमारा शहर है, लाहौर ही है जिसने हमेशा पाकिस्तान को क्या कहते हैं लीड किया, और हम लाहौर ही दिखाएंगे आपको पाकिस्तान को कि हम अपना हक मांगने के लिए पुरअमन तरीके से किस तरह एहतजाज करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने दो तीन बातें की हैं, लेकिन उसका पहले उसकी बैकग्राउंड मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जो आज सारा कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानियों या आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों ने जाकर ये फैसला किया कि अब हम अपने मुल्क की मुस्तकबिल का जो है ना जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, हम फैसला करेंगे हमारा मुल्क कैसे चलना है, हम फैसला करेंगे कि हमारे आगे बच्चों ने कितना कर्ज उठाना है,
आपने फैसला किया कि हमने ये जो लोग यहाँ से पैसा डाकू लूटते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और हम पीछे बैठे हुए हैं जिनको सारा इनका कर्जा उतारना पड़ता है, क्योंकि कर्जा तो हमारे ऊपर चढ़ता है, हमें टैक्सेस लगते हैं, हमारी बिजली महंगी होती है, हमारा खाना महंगा होता है, हम मुश्किल में रह जाते हैं। तो आपने ये फैसला किया कि हम फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन लोगों ने फैसला किया कि आपसे आपको ये फैसला आपको नहीं करने देना। इसको जमहूरियत कहते हैं जब आप फैसला करेंगे, लेकिन वो आपको जमहूरियत नहीं लेने देना चाहते थे। उन्होंने सारा आपका वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया, चोरों को जाके असेंबलियों में बैठा दिया, और जिनके जिनके सबके पैसे बाहर पड़े हैं। अब उन चोरों को बचाने के लिए अब ये सारा मसला चला हुआ है। अब वो मरियम नवाज बैठी हैं 25 सीटें लेकर, अब आपका वोट उनके पास है। नेशनल असेंबली में जाकर देखें तो यह हुकूमत बैठी हुई है 17 सीटों के ऊपर।